गुड मॉर्निंग यस, गुड मॉर्निंग एवरीवन। और अभी बच्चों सुबह के 8:30 व्लॉग स्टार्ट हो चुका है। आप सब जानते हो कैसे हो गया है, मंदिर से आके स्टार्ट हो गया। तो आज मैं तो मिलवाती हूँ कुछ न्यू पर्सन से। यस, हमारे आ गए हैं। एक्चुअली मैं बताती हूँ कहानी, पहले मिलवा देती हूँ। चलिए ये देखो, दो न्यू मेम्बर और पिल्लू के फ्रेंड्स, पिल्लू के दो न्यू फ्रेंड्स। ये वाली शांता ना भाई घबराए भैया। हाँ हाँ, सो गाइस ये न्यू फ्रेंड्स हैं, मैं बताती हूँ। इनको हम लेके नहीं आए हैं, ये पीछे ये बड़ी पुड़पुड़िया बोलते हैं, कुड़कुड़िया बोलते हैं, आई डोंट नो, मुझे नहीं पता। तो ये मॉर्निंग डब की ही प्रजाति है सारी। तो जो पिल्लू है हमारा वो छोटा वाला जो एक होता है मॉर्निंग डब उसका है, और ये जो है ये बड़े वाले के हैं। ये पिल्लू से थोड़े बड़े, पिल्लू तो हमने बहुत छोटे से पाला है, ये थोड़े और बड़े हो गए। पीछे वाले जो ग्राउंड में हम लोग जाते हैं पार्क में, वहाँ पार्क में ना बाज लेके जा रहा था इनको, तो बच्चे सारे बचा के लाए, और उनको पता है कि आंटी रख लेंगी यहाँ पे बचा के, तो बस देखे कि आंटी इनको भी रख लो। तो एक बहुत घबराए हुए थे, अभी एक तो ठीक हो गया है बट एक थोड़ा डरा हुआ है, और बड़े हैं ये बच्चे। हमने नामकरण कर दिया पिल्लू, टिल्लू और मिल्लू। सो इनका नामकरण कर दिया। मैं जिस मंदिर से आई तो दीदी बगल वाला बच्चा कहते दीदी तीन बच्चे हो गए, तो मुझे लगा डांस वांस के लिए कह रहा होगा, डांस के लिए। मैंने अच्छा कहा मैं लेके पीछे पार्क में, मैंने हट, तो बोलता है नहीं दी वो बच्चे हो गए पिल्लू के फ्रेंड। मैंने अच्छा पिल्लू के फ्रेंड, ठीक है। तो फिर पिल्लू के फ्रेंड आ गए, पिल्लू की फैमिली बढ़ गई। वैसे हम सोच रहे थे पिल्लू को उड़ा दें, पर सोच रहे हैं जब ये तीनों एक साथ ही इनको निकालेंगे जब ठीक हो जाएंगे प्रॉपर, तो पिल्लू को भी फ्रेंड्स मिल गए। और सोच रहे हैं इनके लिए बड़ी सी जगह थोड़ा देख लें, क्योंकि वो छोटा सा है पिल्लू, अभी अकेला राज करता था अभी, और अब उसमें थोड़ा सा अभी उसमें जगह भर गई, क्योंकि वो बड़े बड़े पक्षी और वो छोटा सा है। अभी तक तो पिल्लू अपने अकेले फड़फड़ करके उड़ते रहते थे, अब देखो क्या होता है। मैं सोच ही रही थी, आज ही सोची थी कि लाओ पिल्लू को भैया उड़ा देते हैं, दिखाएंगे सबको कि भैया हमने एक उड़ा दिया पिल्लू को। बट आज हम मंदिर जाए तो पिल्लू के दो फ्रेंड और मिल गए, और कॉलोनी के बच्चों को सबको बताया कि आंटी पालने वाली है, कोई पाले ना पाले सब आंटी के पास दे जाती हैं, आंटी पाल लेंगी। मम्मी को वैसे कुत्ते और ये सब चीज़ें पालने का शौक नहीं है, बट अगर कोई घायल हो जाता है तो उसको ठीक करवा के फिर हम लोग छोड़ देते हैं, तो ये पालते नहीं हैं हम लोग। अभी जैसे पिल्लू है ये है, थोड़े से ठीक हो जाएंगे फिर हम इनको छोड़ देंगे। अच्छा लगता है ना किसी की मदद करना, मुझे तो बहुत अच्छा लगता है, बहुत ज़्यादा, चाहे वो मेरा दुश्मन क्यों ना हो। दुश्मन है अगर मेरे दायरे में है वो चीज़ तो मैं कर देती हूँ। और आज मैं आप लोगों से एक मदद की उम्मीद कर रही हूँ, ये समझ लीजिए कुछ है अनाथ आश्रम के बच्चों के बारे में, वो आपके साथ डिस्कस करना है। सो इस ब्लॉग को फुल देखिएगा, ठीक है। ओके, सो मुझे आप लोग के साथ शेयर करनी है एक इंफॉर्मेशन। एक मिनट मैं फ़ोन निकाल दूँ, तो मेरा एक हाथ ऐसा कैद होता है तो मैं ऐसे काम कर लेती हूँ। पता है ये दोनों जो बच्चे हैं नए जो न्यू आए हैं बहुत डरे हुए हैं, बहुत ज़्यादा डरे हुए हैं। मतलब मैंने उनको पिल्लू को पानी पिलाया तो पिल्लू ने तो पी लिया, और उनको जब पिलाने लगे तो भैया इतना, एक को उठाया मैंने इतना बड़ा चोच, मैं डर गई, मैंने वापस उसी में रख दिया। ये देखिए, हाँ तो मैं बात कर रही हूँ आप लोगों से, एक यूट्यूबर है उड़ीसा की, आई थिंक, मैं देख लेती हूँ पहले फिर बात करती हूँ, बिना देखे नहीं बोलना चाहिए। और कल की वीडियो में मुझसे एक गलती हो गई, वो क्या हो गई कि मैंने वो कर दिया क्या बोलते हैं, अरे इस फोन में तो है ही नहीं वो, क्या करती हूँ मैं भी, मैंने डांस का वीडियो ऐड ही नहीं किया, और लोगों को बोला कि आप डांस का वीडियो देखो, डांस का ऐड ही नहीं किया तो कहाँ से देखेंगे हम। सच में इतना पागलपन कर देती हूँ ना कभी कभी मैं, एक मिनट हाँ। ओके, सो मैं यहाँ कोई प्रमोशन नहीं कर रही हूँ, मैं जस्ट एक उड़ीसा की एक चैनल है उनका, तो मैं उनका भी पूरा नाम नहीं लूँगी, चैनल का प्रमोशन तो नहीं चल रहा है। उन्होंने मुझसे रिक्वेस्ट करी है, लेकिन आप लोग देख तो वहीं पर जाके पाओगे, मेरे पास तो वीडियो नहीं है अभी, गालू वहाँ रख दो,
उड़ीसा की मोमेंट ड्यूटी करके चैनल है उनका, मैं प्रमोशन उनका नहीं कर रही हूँ, मैं यहाँ प्रमोशन कर रही हूँ। कुछ अनाथ आश्रम बच्चों, उन्होंने मुझसे रिक्वेस्ट किया था कि डियर अगर आप कर दोगी तो, वो भी मिडिल क्लास फैमिली से जैसे हमें, तो वो उन बच्चों के लिए कुछ करना चाहती हैं, और वो वीडियो हम अगर बनाएंगे उनके लिए तो वो वीडियो को उन बच्चों को अनाथ आश्रम में जाके दिखाएंगी। तो उन्होंने बोलता है अनाथ आश्रम का नाम है मालती माँ अनाथ आश्रम, और अंगूर एक यूट्यूबर है मैं, अच्छा तो मालती माँ अनाथ आश्रम है। सो आप चाहो तो उड़ीसा मोमेंट ड्यूटी चैनल जाके देख लीजिए या उनसे कांटेक्ट कर लीजिए, जो लोग भी चाहे उन बच्चों के लिए कुछ भी अपनी तरफ से कोई भी हेल्प अगर आप करना चाहते हो तो प्लीज़ कर सकते हो। सो प्लीज़ हेल्प अस, उन लोगों की हेल्प कर दो अनाथ आश्रम के बच्चों के, मुझे अगर पहले बताते हो तो मैं करूँगी। और मैं नेक्स्ट वीक मतलब जब मैंने बोला है, जैसे एक होता है ना बोलते हैं, तब मैं पक्का करूँगी, इनसे कॉन्टेक्ट करूँगी। और अभी भी कह रही हूँ मैं, अभी भी कुछ टाइम पहले भी करी थी, क्योंकि देखो गाइस, चाहे गरीब हो अमीर हो मिडिल क्लास हो, होते तो उनके पास माँ बाप है ना, तो वो तो करते थे। लेकिन जो अनाथ आश्रम में बच्चे हैं, अब जो लोग ये ट्रस्ट खोल के रहते हैं, मतलब जिन लोगों के पास अनाथ आश्रम जिन्होंने ओपन किया है, वो लोग उतना ही कर सकते हैं जितना उनके पास होता है, और आ जाता है वहाँ से बस उतना, उसके आधा तो वो, उससे ज़्यादा तो वो नहीं कर सकते, उससे ज़्यादा वो नहीं कर सकते। लेकिन जो लोग डोनेट करते हैं, अगर चाहो तो आप नाम बता के बिना नाम के भी डोनेट कर सकते हो। सो मैंने बता दिया मालती माँ अनाथ आश्रम ऐसा करके नाम है। सो प्लीज़ आप उनका चैनल चेकआउट कर लीजिएगा अगर चैनल से, क्योंकि उनकी वीडियो वहीं पे, उनकी वीडियोस हैं, उससे ही आपको पता चलेगा कि इस नाम का कुछ है भी या नहीं। ठीक है, मालती माँ अनाथ आश्रम, मालती माँ, सो आप चेकआउट कर लीजिएगा। ठीक है, इससे क्या होगा कि क्या होगा कि आपको थोड़ा सा पुण्य मिल सकता है, मतलब अच्छा लग सकता है। सो चलिए मैं खा लेती हूँ मैंगो, मेरा मैंगो वेट कर रहा है। ठीक है, ये बंद कर दूँ और मैं खा लेती हूँ मैंगो, मेरा फेवरेट। इनमें से बच्चे ना डरे हुए हैं अभी, इतना बड़ा बड़ा चोट निकाल रहे हैं ना डर से, मुझे बहुत डर लग रहा है इनको लेना ही। और पिल्लू महाराज क्या कर रहे हैं, इनके आगे शेर बने हुए हैं, और वो बेचारा जो है ना, देखो उनके ऊपर चढ़ के बैठ जाता है, उसकी पीठ पे बैठ जाता है पिल्लू, पता है? ये देखो पिल्लू, हे पिल्लू, पिल्लो पिल्लो, पिल्लू, ये पिल्लू ने उड़ उड़ के ना अपने पंख भी घायल कर लिया है, इतना शेर बन रहा है ना इन लोगों के आगे, बेचारे वो डरे हुए बैठे, उनकी पीठ पे चढ़ के बैठ जाता है। और आज हमारी टहनी रानी अभी तक उठी ही नहीं है, तो चलिए मिलते थोड़ी देर के बाद। गाइस बहुत भयंकर वाली गर्मी पड़ रही है, बहुत भयंकर, मेरा बिंदी लिपस्टिक सब पसीने में ऐसा बहा है ना क्या बताऊँ। सो मैंने जैसे मैंने कुछ टाइम पहले बोला था लोगों से कि क्या आप लोग मेरा नेल पेंट कलेक्शन देखना चाहते हो, तो मुझे काफ़ी सारे कमेंट आए हैं, तो मैं आज आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ अपना नेल पेंट कलेक्शन। फ़िलहाल मैंने ये नेल पेंट जो मैंने ऑरेंज वाला लगाया था उसको लगा के ये कुछ इस तरीके से लगाया, यहाँ पे इग्नोर कर देना, क्योंकि जब हम नेल पेंट रिमूव करते हैं तो उसका जो कलर होता है, मतलब जब टिश्यू से करते तो वो ऐसे लग जाता है, जब मैं हैंड वॉश करूँ दो तीन बार तो ये निकल जाएगा, और ये बोटिंग वाला जो लगाते हैं वो। सो कुछ इस तरीके से नेल पेंट मैंने अप्लाई किया है, और काफ़ी लोगों को मेरा ये नेल पेंट, ये नहीं मेरा नेल पेंट जो आर्ट है वो काफ़ी लोगों को पसंद आता है, मुझे कमेंट भी करते हैं कि आपके नेल पेंट बहुत सुंदर होते हैं, नेल आर्ट, और मेरे हाथ पैर भी सुंदर बोलते हैं। पैरों पे मैंने लगाया रेड है, बट उसका जो डिज़ाइन है वो थोड़ा सा चेंज करते हैं, मैं दिखाती हूँ आपको, ये देखिए इसमें मैंने क्या किया है, एक रेड, और मैं बताती हूँ कौन सा वजह, ये वाला, और इसके साथ ये वाला, ये रेड के साथ मैंने ये वाला ऊपर से शाइनी कोड दे दिया इसमें एक। सो बस ये हो गया है, और हैंड पे मैंने ये न्यूड वाला एक कलर लगाया है। मैं न्यूड नेल पेंट वैसे लगाती कम हूँ, बट मैंने इस बार मंगाए थे
तो मैंने सोचा चलो ट्राई करते हैं, तो और इसके साथ ये मैच किया, तो ये देखो अगर मैं पूरे हैंड पे न्यूड लगाती तो हैंड न्यूड न्यूड लगते, बट इसमें मैंने ये थोड़ा डार्क कलर लगाया ना, तो काफ़ी ज़्यादा मतलब ऐसा अट्रैक्ट कर रहा है अपनी तरफ, क्यूट लग रहा है कुछ ऐसा करके। नहीं आप लोगों को ऐसा लगा बताना। अच्छा पहले मैं एक बात बताती हूँ, मुझे कमेंट किया था कि आपकी बेबी छोटी है, पहले भी आ चुके हैं कि आप इतने बड़े नहीं रह सकते हो, तो गाइस मैं बता दूँ जब से टेनी इत्तू सी है ना इत्तू सी, तब से मेरे नेल इसी तरह से रहे हैं और आज तक उसको कोई खरोच नहीं आया, भगवान करे आए ना। आई नो ये सेफ्टी होती है क्योंकि बच्चों को लग जाते हैं, बट मैं अपनी जब से पूरी प्रॉपर सेफ्टी रखती हूँ कि टेनी को कहीं से भी टच ना हो मेरे नेल से, और नेल मुझे बहुत प्यारे लगते हैं इसलिए नेल भी नहीं, और टेनी मुझे और ज़्यादा प्यारी है तो उसको मैं बहुत ध्यान से करती हूँ। आज तक टेनी 2 ईयर की होने वाली है और अभी तक उसको मैंने नेल्स की वजह से कोई खरोच नहीं आने दिया। सो टेनू इतनी सी, तब से मैं इतने ही बड़े नेल्स रखती हूँ, तब से मेरे ऐसे ही हैं, तो उसको कुछ हुआ नहीं है, भगवान करे आगे भी ना हो, बट मैं कर लेती हूँ मैनेज इन नेल्स के साथ। सो गाइस जैसे मैंने बताया आपको, मैं कर रही हूँ आपके साथ अपने नेल पेंट कलेक्शन, जैसे जिस बॉक्स में आए थे ना उसमें ही पड़े हैं, यहाँ पे तो मेरे को लगाना नहीं है बाहर, मतलब वहाँ जाऊँगी तभी लगाना है। सो एक मिनट में सेट कर लूँगी, तो ये नेल पेंट है ना, तो मैं दिखाती हूँ एक ही करके, ये वाला तो मैंने अप्लाई किया हुआ है एंड ये वाला, ये दोनों कलर मैंने अप्लाई किए हुए हैं अपने नेल्स पे। इन सबका लिंक अगर आपको चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दे रही हूँ आपके साथ, तो चेकआउट कर लेना, प्लस मैं कमेंट बॉक्स में भी पिन कर दूँगी, वहाँ से भी चेकआउट कर लेना। बहुत गर्मी पड़ रही है, सुबह बादल था, बारिश भी हो गई थी बस हल्की फुल्की, और फिर वही हो गया। सो ये है एंड फिर ये है, ये सेट नंबर 6, ये भी मैंने आपके साथ शेयर किया है ना, और ये है, ये भी शेयर किया हुआ है, जो नहीं शेयर किया वो दिखाते हैं, जैसे कि ये ग्लिटर वाला शायद शेयर नहीं किया था, ये है SQ का 658 शेड नंबर 11 Elefish, ऐसा ग्लिटरी ग्लिटरी हो जाता है, ट्रांसपेरेंट होता है ये, और ये काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी में मिल जाता है, ट्रांसपेरेंट होता है। इस बॉटल को पकड़ के पता नहीं क्या लगता है कितनी बड़ी चीज़ है ना। फिर है एक ये भी न्यूड सा है, बट ये पिंकिश में है, ये थोड़ा बादामी शेप में है। फिर एक और रेड है, वो मेरून टाइप में, ये रेड टाइप में, दोनों अलग अलग ही है ना, एक शेड नंबर 1 है, एक नहीं, एक शेड नंबर 10 और एक शेड नंबर 8। और हाँ ये वाला देखिए, ये भी न्यूड सा कलर है, ये शेड नंबर 17 एंड ये है मरून, मतलब डार्क जामुनी टाइप बोल लीजिए, मरून लिखा हुआ है इस पर। फिर एक ये भी है ग्लिटर में, ये भी SQ का, मुझे ग्लिटर ही ज़्यादा पसंद आते हैं कभी कभी, तो मैं शाइन के लिए ये भी मंगा ली हूँ, ये कुछ इस तरीके से, ठीक है। इन सब के लिंक आप कमेंट बॉक्स में देख लीजिएगा, मिल जाएंगे, जो भी परचेज करना हो आप देख लीजिएगा, ये मैं आपको दिखा चुकी हूँ। टोटल ये छोटू सी SQ की है, ये भी थोड़ा ब्राउन शेड में, डार्क में, और ये ऑरेंज शेड जो मैंने लगाया था, सो येलो सा शेड है ये। तो यहाँ पे टोटल मेरे पास SQ के मैंने मंगाए थे 4, तो ये हैं 2 छोटे और 2 बड़े, नहीं 2 बड़े, 1 मिडल और 1 स्मॉल, ये 4 साइज हैं, ठीक है। और उसके बाद मेरे पास पर्पल के हैं 3, 1, 2, 3, ठीक है। मैं बहुत देखा था लोगों को यूज़ करते हैं, भाई हम भी मंगा के देखते हैं कैसा लगता है ये, और यहाँ पे इसके शेड ज़्यादा है क्योंकि मुझे लगा था कि बहुत अच्छे शेड है और मुझे काफ़ी ठीक भी लगी है, तो इसके शेड है यहाँ पे मेरे पास टोटल 6 शेड, यहाँ से बहुत सारे देखेंगी है ना, क्योंकि इनके साथ ट्रांसपेरेंट वाला जेल वाला भी है, बट ये सिर्फ 6 हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6,
है ना। सो देखो ये होता है, अभी जस्ट लगाई है ना तो कुछ भी करो तो बिगड़ना स्टार्ट हो जाती है। सो गाइस कल है 23, यानी कि जिस दिन आप ये वीडियो देख रहे हो, और कल आ रहा है रिजल्ट। यस, किसका रिजल्ट? हमारे देश के मोदी जी का। और उम्मीद यही है कि मेरा वोट खाली ना जाए। हर हर मोदी, घर घर मोदी। और मैंने एक चीज़ बहुत अच्छी सीख ली है कि एक टिकटॉक पे मैंने देखा था, किसी ने बताया था उसमें कि अगर आपको कोई जवाब दे दे तो उस वक्त शांत रहो, उस वक्त चाहे कितना भी बड़ा आपके साथ ख़राब क्यों ना कर दे, उस वक्त शांत रहो, बाद में उससे जो बदला होगा ना वो ऊपर वाला अपने आप ही ले लेता है, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। और उस वक्त की खामोशी ऊपर वाला आपको बहुत अच्छी उसके लिए वो देता है, क्या बोलते हैं, आपको मतलब अच्छा करता है भगवान उस टाइम पे। मैं ऐसे कुछ था, और मैंने ये देखा है कि मैं तो सिर्फ यूट्यूब चलाती हूँ, जितने भी सेलिब्रिटी हैं बड़े बड़े, मोदी जी हैं, यहाँ तक कि अपोजिट पार्टी वाले लोग, उनको कितना गंदा बोलते हैं, वो रोने थोड़े ना बैठते हैं, नहीं बैठते ना, तो आज से मैं भी नहीं रोऊंगी, सिर्फ अपना वर्क करूँगी, फोकस फोकस फोकस, जिसको जो करना है बोले, जिसको जो बोलना बोले, अब मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आई होप आप लोग मेरी बात को समझ रहे होंगे। गाइस देखो मुझसे ना सच बताऊँ, मेरा नॉर्मल बिहेवियर यही है, मैं ओवर एक्टिंग नहीं कर पाती हूँ। एंड मेरे व्लॉग्स में आई नो मुझे अभी कुछ कमी मुझे भी लग रही है, बट थोड़े टाइम बाद आपको वो कमी भी पूरी मिले हो जाएगी। और मैं कहीं जाने वाली हूँ, यस जाने वाली हूँ, और दिखाऊँगी, बहुत सारे लोग मेरे ब्लॉग में आने वाले हैं, सो देखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा मेरे ब्लॉग्स। और अभी दो ब्लॉग्स, दो तीन ब्लॉग्स आपको ऐसे ही मिलेंगे, फिर मिलेंगे आपको अच्छे अच्छे और जो लोग बोल रहे थे कि मेरे हस्बैंड ने निकाला है, उनको करारा जवाब मिलने वाला है, आने वाले हैं मेरे हस्बैंड, पर अभी टाइम है, अभी नहीं आ रहे, थोड़ा सा और टाइम है, ठीक है। सो गाइज मैं इस वीडियो को यहीं एंड करती हूँ। आई होप आप लोग को मेरा ये हॉल पसंद आया होगा, अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक और शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। एंड तब तक के लिए इन्जॉय कीजिए मेरे इनके लिंक्स, अगर जो भी परचेज करना है कर लीजिए। एंड 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 एक चीज़ तो बताना भूलेगी, ऑफ लगा हुआ है, कितना ऑफ लगा हुआ है, 6 प्रोडक्ट खरीदने पे आपको मिलेगा फ्लैट 50% ऑफ ऑफ ऑफ, यस एस क्यू के। एंड NYBA की आप पर्पल के खरीदोगे, सब पे कुछ ना कुछ ऑफ लगा हुआ है, तो आप चेकआउट कर लो। मैं हो सकता है कुछ कंफ्यूज बता रही हूँ, लेकिन ऑफर चल रहे हैं धकाधक धकाधक धकाधक, तो चेकआउट करना बिल्कुल मत भूलेगा, ओके नहीं बोलोगे ना, आई नो दैट नहीं बोलोगे। और पता है हाँ एक चीज़ तो बताना भूलेगी, हमारा पिल्लू तो भैया पूछिए मत, पूछिए मत कितना बड़ा वो हो गया है, मतलब शहनशाह हो गया, अपने आप को क्या समझ रहा है, उस पर बैठ जाता है जाके, जो दो आए हैं बेचारे न्यू न्यू, उसको मैंने पानी पिलाने के लिए निकाला, वो ऐसे चोंच मारने लगा, तो मैं डर गई, मैंने वापस उसी में रख दिया। पिल्लू जब तक इतना सा था, और वो इतने बड़े बड़े हैं, तो डर लगता है उनसे, बट कोई काटते नहीं है वो भी।
बच्चे आपसे कुछ पूछना चाह रहे हैं, बताइए, बोलो। हमारा नाम कैसा होगा? कमेंट करके बताना जरूर, ठीक है? और अच्छा लगे तो जरूर कमेंट कीजिएगा। सब जगह अपने अपने लिए क्लैपिंग कर लो। आप इस वीडियो को लाइक करें, बोलो, कमेंट करें और शेयर करें। बाय।